दोस्त, अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है, जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी।
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की, तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो
वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्त अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू,
मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्त अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों
त्रिविक्रम श्रीनिवास जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है।
चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकुट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकुट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकुट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और
सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और परदेशन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की, तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर
जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है,
तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जया राम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जया राम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है, जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है, क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है।
PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्ला वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी।
आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में, तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की, तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसी फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है।
एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है।
PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी।
आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्त अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्ला वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्ला वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है।
एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्ला वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्ला वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्ला वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है, जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है, क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है।
PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्ला वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्ला वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर
जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वे फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलू एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलू मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलू मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलू मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड Rotten Tomatoes ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है,
तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है ये मूवी। आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलू एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्त अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलू मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलू मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्ला वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है, घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्ला वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है, जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है, क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है।
PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्त अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, निवेदा पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर
जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूंजा हेगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है। चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो, ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है,
तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जयाराम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है। PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के निर्णय की। तो कुल मिलाकर अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई एक्शन एंड ड्रामा मूवी अल्लाह वेंकट पुरुमुलु मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों त्रिविक्रम श्रीनिवास, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 100% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 82% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अल्लू अर्जुन, पूजा हेंगड़े, निवेता पेथुराज, जया राम, सुशांत, वैष्णवी चैतन्य, तब्बू, मुरली शर्मा, समुथिर कानी आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो वाल्मीकि मुरली शर्मा एक बड़ी कंपनी में छोटा सा कर्मचारी है। उनके बेटे सुशांत के जन्म के दौरान उनके बॉस की पत्नी तब्बू भी एक बच्चे अल्लू अर्जुन को जन्म देती है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर वाल्मीकि चतुराई से बच्चों की अदला बदली करता है और मालिक के बच्चे को अपने घर लाता है और उसका पालन पोषण करता है। जैसे जैसे समय बीतता है घटनाओं में एक दुखद मोड़ आता है और अत्यंत सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बाकी की कहानी मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, वाल्मीकि के साथ अल्लू अर्जुन क्या करते हैं ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में। तो कहानी का विचार बहुत अच्छा है और त्रिविक्रम ने ठोस संवादों और सहज वर्णन के साथ फिल्म को अपना स्पिन दिया है। शुरू से अंत तक अल्लाह वेंकट पुरुमुलु में नॉन स्टॉप मनोरंजन है जो सभी को पूरी तरह से खुश करेगा। अल्लू अर्जुन अपने तत्वों में हैं और साबित करते हैं कि उनके जैसे स्टार को लंबे समय तक पीछे नहीं रखा जा सकता और प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। उनका डांस, कॉमेडी की टाइमिंग और परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आएगी, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूजा हेंगड़े का किरदार जितना खूबसूरत है, बन्नी के साथ उनकी केमिस्ट्री उतनी ही प्यारी है। वे एक मनमोहक जोड़ी बनाते हैं। सचिन खेड़कर को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और भावनात्मक दृश्यों में वे काफ़ी अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की तकनीकी पहलू की। तो उत्पादन मूल्य सर्वोच्च है क्योंकि हर फ्रेम शानदार दिखता है।
PX विनोद का कैमरा वर्क अद्भुत है क्योंकि वह फिल्म को एक उत्तम दर्जे का लुक देते हैं। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और प्रोडक्शन डिजाइन भी अच्छा है। बन्नी को शानदार ढंग से स्टाइल किया गया है क्योंकि वे सभी गानों में बेहद कूल लग रहे हैं। संपादन और डबिंग भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की निर्णय की, तो कुल मिलाकर अल्ला वेंकट पुरुमुलु एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है जो सभी मानकों को खरी उतरती है, चाहे कहानी हो, संवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, रोमांस हो या संगीत हो। ऐसे फिल्म में सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।